हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, स्वागत है आप सब लोगों का संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट के बारे में। हर इंसान को ऐसी इच्छा होती है कि उसकी एक अच्छी खासी हाइट हो, और जो लोग छोटी हाइट वाले होते हैं उन लोगों को अपनी हाइट के हिसाब से काफ़ी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। काफ़ी सारी ऐसी एग्जाम्स है, काफ़ी सारी ऐसी जॉब है कि जहाँ पे हाइट की वजह से लोगों को रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक चीज़ें बताऊँगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी हाइट को बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। दोस्तों, एक अच्छी हाइट होना आपके लिए एक स्मार्ट जिंदगी की निशानी होती है, और जो लोग अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो हाइट बढ़ाने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स के इंजेक्शन के अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की पुस्तिकाओं की बात करें, आयुर्वेद के ग्रंथों की बात करें, तो आयुर्वेद के ग्रंथ में हाइट बढ़ाने के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस, काफ़ी सारे उसके उपचार मौजूद हैं। मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी सारे मॉडर्न डॉक्टर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आयुर्वेद की संहिताओं में हाइट बढ़ाने का अचूक उपचार मौजूद है। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहला उनको एक काम करना है कि जितने भी पैकेट फूड्स हैं और जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं और जितने भी प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें जो वो खाते हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना है। जिन लोगों की हाइट, जिन लोगों की उम्र 21 साल से कम है, वो सभी लोग अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। आपको खाने में क्या शुमार करना है? आपको अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए सुबह खाली पेट बांस का मुरब्बा खाना है। बांस यानी कि बाम्बू ट्री। बाम्बू ट्री के बारे में आपने सुना होगा, आयुर्वेद की संहिताओं में इसका उल्लेख किया गया है। बाम्बू ट्री का मुरब्बा आपको घर पे बनाने की जरूरत नहीं है। बाम्बू ट्री का मुरब्बा आपको पंसारी की दुकान पे, किराने की दुकान पे, या आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बांस का मुरब्बा जो है वो बांस की अंदर की जो गिरी है उसको काट के उसको मिश्री के साथ बनाकर बनाया जाता है। अगर आपको वो ज्यादा मीठा लगे तो आप उसको धो के भी खा सकते हैं। उसको खाने का बेस्ट टाइम है सुबह उठ के खाली पेट, और उसके बाद एक घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। दूसरा काम आपको करना है, अश्वगंधा और शतावरी ये दोनों पाउडर को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और उसमें एक चौथाई भाग मिश्री को मिक्स कर देना है, और ये चूर्ण को एक कप ऊंटनी के दूध के साथ, जी हाँ, कैमल मिल्क के साथ आपको लेना है लंच के दो घंटे पहले या तो ब्रेकफास्ट के दो घंटे के बाद। अब आप सोचेंगे ये कैमल मिल्क हमको कहाँ से मिलेगा? कैमल मिल्क जो है उसका पाउडर ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होता है, और काफ़ी सारे ऐसे जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको कैमल मिल्क इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये कैमल मिल्क के साथ आपको अश्वगंधा और शतावर का पाउडर लेना है। तीसरा काम आपको करना है सूर्य नमस्कार, यानी कि योगा। ताड़ासन आप कर सकते हैं, और सूर्य नमस्कार और ताड़ासन ये बेहतरीन एक्सरसाइज है अगर आप अपनी हाइट को बूस्ट करना चाहते हैं तो। और उसके बाद रात को सोने से पहले थोड़ा सा आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में सही हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस होते हैं। आप प्राणायाम को रात को रेगुलर करते जाए, और सोने से एक घंटा पहले जो आपने शतावर और अश्वगंधा वाला दूध जो कैमल मिल्क में पिया था उसको वापस रात को आपको रिपीट करना है। तो इतनी चीजें आपको करनी है जिससे आप अपनी हाइट को बूस्ट कर पाएंगे। और उसके अलावा डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा ने आप लोगों के लिए हाइट बूस्टिंग फॉर्मूला खुद ने इजाद किया हुआ है, जिस फॉर्मूला का नाम है हाई हिल कैप्सूल्स। ये है हाई हिल कैप्सूल्स। हाई हिल कैप्सूल्स में अश्वगंधा, आंवला, बहेड़ा, हरड़, विदारीकंद, कौचा, शतावर, यष्टिमधु, पिपली, कटुकी, विडंगा, लवंगा और अमरवेल, और उसके साथ इसमें कॉम्बिनेशन किया हुआ है सुवर्ण भस्म का। सुवर्ण भस्म जो है वो एक बेहतरीन टॉनिक है जो आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। ये हाई हिल कैप्सूल्स को आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल के स्वरूप में इसका सेवन करना है। लगातार 3 महीने तक ये कैप्सूल्स का सेवन करना है। एक कंटेनर में 60 कैप्सूल्स हैं जो 1 महीने तक चलेंगी। इस तरह से आपको 3 मंथ्स तक इसका रेगुलर सेवन करना है। ज्यादा हाइट बूस्ट करने के लिए आप इसको 6 महीने या 1 साल तक भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए
बेफिकर आप संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी आनंद महल रोड अडाजन सूरत